इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं क्योंकि मैं अभी फैट लॉस जर्नी पे हूं। अगर नहीं देखोगे तो कुछ अच्छा खासा मिस कर जाओगे। फैट लॉस के लिए क्या करना है? क्या आप गधों के रेस में भागोगे? ना। घर का खाना छोड़ दोगे? ना। तो इंट्रोड्यूस करना है, बताता हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, रेंडर कब खत्म होगा। मैं रेंडर में डाला हूँ, हो चुका है। अब लगभग 5 मिनट और लगेगा। घर पे वर्कआउट, नो इंटरप्शन, अपने पसंद के गाने, जो मन करो। तो मिलते हैं वर्कआउट के बाद। So I'm done with my chest workout, time to roll on with my back. So right now I'm done with my chest and back workout. पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी फैट लॉस जर्नी पे हूँ। अगर नहीं देखोगे तो कुछ अच्छा खासा मिस कर जाओगे। आजकल मैं बहुत फंबल मार रहा हूँ, पता नहीं। तो मिलते हैं कुछ काम निपटाने के बाद और नहाने के बाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा दो। तो जब मैं नहाने गया, मेरे को ये चीज़ याद आया कि आज मैंने व्लॉग का वेलकम नहीं किया। सो हेलो पीपल, वेलकम टू अदर व्लॉग ऑफ नाउ। होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो मैं जाने से पहले बता रहा था कि मैं अभी फैट लॉस के बारे में बात करूँगा। फैट लॉस के लिए क्या करना है? क्या आप गधों के रेस में भागोगे? ना। घर का खाना छोड़ दोगे? ना। आपको बस हल्की सी खाने के जो मैक्रोज है उसको कंट्रोल करना है और वर्कआउट इंटेंसिटी या फिर HIIT को इंट्रोड्यूस करना है, बताता हूँ। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, मम्मी के लाड़ प्यार ने एकदम से वज़न को बढ़ावा दे दिया। तो वज़न मतलब लगभग 3 से 3.5 किलो मेरा बढ़ चुका है। तो अभी मेरे को जो एक्स्ट्रा वेट है उसको घटाना तो बनता है ना। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ में अपना जो फैट लॉस जर्नी है उसका मैं कुछ आइडिया शेयर करूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ इसको। तो बेसिक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है वो है कैलोरिक डिफिशियंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी समझना है कि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फैट लॉस में क्या होता है, आपको मसल को मेंटेन करते हुए आपको फैट को हटाना है, एक्स्ट्रा वेट को घटाना है। और वेट लॉस में ये कंडीशन नहीं रहता, आप कैसे भी वो वेट को घटाते। तो बेसिकली मैं अभी अपना फैट लॉस एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा, और अगर वेट लॉस के बारे में जानना है तो मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊँगा। और ये जो मैं बताऊँगा लड़का लड़की सबके लिए है। तो बेसिक चीज़ जो आपको कैलोरिक डिफिशिएंट मेंटेन करना होता है और आपका जो प्रोटीन गोल है वो कंप्लीट करना होता है ताकि मसल को ब्रेक डाउन होने से बचा सके। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, सिंपल है। और जो कार्ब प्रोटीन रेशियो है उसको 1:1 या फिर 1:2 रखें अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बहुत ही सही है। और बस यही है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करता रहूँ। अगर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो वर्कआउट रूटीन मैं अभी फॉलो कर रहा हूं वो मतलब कस्टमाइज नहीं है, वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग है। जब मतलब मैं कैसा फील कर रहा हूं उसके ऊपर है। पहले बेसिकली क्या होता था, मैं चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को ट्रेन करता था, बैक के साथ बाइसेप को, फिर लेग शोल्डर, और फिर आर्म्स डे के लिए अलग से मैं दोनों को ट्रेन करता, ऐसा चलता। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं बैक को चेस्ट को दोनों को साथ में ट्रेन कर रहा हूँ, और कभी कभार लेग को शोल्डर को साथ में ट्रेन कर लेता हूँ। ऐसा ही चल रहा है मेरा, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस मेरे को करना है। मतलब कोशिश यही रहती है कि वीक में मैं 3 बार एक पार्ट को मैं हिट करूँ, बस वही है। और कैलोरिक डिफिशिएंट बस, और प्रोटीन गोल बस। राइट नाउ दिस इज 11 PM और मैंने जस्ट अभी डिनर करी है। तो डिनर करने के बाद पता नहीं आजकल बहुत नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि शेड्यूल मेरा दिन भर टाइट ही रहता है। और मैंने अपना बेड भी बना लिया है पूरा साफ सफाई करके, और जस्ट अभी मैं इस वीडियो को डालूंगा अपलोड में, उसके बाद मैं लाइक नो मोर टुनाइट। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।